दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि संबल 2.0 योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आप ग्राम पंचायत लॉगिन से उसका सत्यापन या वेरिफिकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, सब्सक्राइब कीजिए मास्टरमाइंड फरीद को और बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए, उसी से आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, संबल योजना में ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है, इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। संबल योजना का ऑनलाइन सत्यापन करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन करनी है, sambal.mp.gov.in, और यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारे स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आता है, जनकल्याण पोर्टल पर लॉगिन हेतु सूचना। कृपया जनकल्याण पोर्टल पर लॉगिन करने हेतु जनकल्याण पोर्टल का यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करें। समग्र SPR पोर्टल के यूजर नेम और पासवर्ड से जनकल्याण पोर्टल पर लॉगिन नहीं किया जा सकेगा। तो दोस्तों, SPR या समग्र पोर्टल के लॉगिन से इसमें सत्यापन नहीं होगा। जनकल्याण पोर्टल का अलग से आईडी और पासवर्ड ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक का बना दिया गया है, उसी से लॉगिन करके आप इसको सत्यापन करें। मैं इसको ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने मेरी GNS की आईडी डाल दी है, पासवर्ड डाल दिया है और कैप्चा कोड डालता हूँ। और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारी ग्राम पंचायत की आईडी लॉगिन हो जाएगी। इसमें हम पहले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, जांच हेतु लंबित आवेदन, यहाँ पर आवेदनों की सूची, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों जितने भी ऑनलाइन आवेदन हुए होंगे उन सब की सूची आपके सामने आ जाएगी। आवेदन क्रमांक आ जाएगा, समग्र आईडी आ जाएगी, परिवार आईडी, नाम, आयु, लिंग और नियोजन। इसके आगे आपको दोस्तों डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों जो भी ऑनलाइन आवेदन आया होगा वो आपके सामने खुल जाएगा। आपको सिंपली इसकी एक प्रिंटआउट निकाल लेनी है, उसके बाद की प्रोसेस में आपको बताता हूँ। इसको सिंपली क्लोज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जांच हेतु लंबित आवेदन, इसमें सेकेंड नंबर का ऑप्शन जांच रिपोर्ट जारी करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और दोस्तों जिस आवेदन का भी आपको सत्यापन करना है सिंपली उसके लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों वो आवेदन यहाँ पे खुल जाएगा। सिंपली यहाँ पे आवेदक की समग्र में दर्ज जानकारी दिख जाएगी और यहाँ पे आवेदक की आधार में दर्ज जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है और यहाँ पे आपको अन्य विवरण में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करना है। सिंपली आपको नीचे जाना है तो आपको यहाँ पे जांच रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको जांच रिपोर्ट, पंजीयन, अनुशंसा, प्रमाणीकरण और कथन, तीनों फाइलें अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे जांच रिपोर्ट का प्रारूप भी आप यहाँ से देख सकते हैं, आगे इसके आ रहा है, ये भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे जांच रिपोर्ट, प्रमाणीकरण और कथन तीनों फाइलों अपलोड करेंगे तो मैं यहाँ से चूज फाइल से क्लिक करके अपलोड कर देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे जांच रिपोर्ट, पंजीयन, अनुशंसा, प्रमाणीकरण और कथन अपलोड कर दिया है। सिंपली हम रिमार्क में ओके लिख देंगे और यहाँ पे रिकमेंडेशन फॉर अप्रूव, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, पंजीयन हेतु अनुशंसा की गई। दोस्तों यहाँ से हमने जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। अब दोस्तों जनपद पंचायत से इस आवेदन का सत्यापन होने के पश्चात नया संबल आईडी कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आवेदन का स्टेटस देखने के लिए आपको वापिस संबल की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, यहाँ से हृदय विवरण के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे 9 अंकों की संबल आईडी या समग्र आईडी आपको डाल देनी है और डैशबोर्ड विवरण के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपके आवेदन की प्रोसेस कहाँ तक पहुंची आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपका कार्ड बन गया है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, संबल कार्ड बन गया है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना संबल कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना 2.0 के आवेदन की सत्यापन करने की पूरी प्रोसेस। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, आपकी कोई समस्या है, सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।